सबसे पहले तो मैं सिंगूपुरा बहादुरपुरा नया नगला के निवासियों के उस पर आपने इनका स्वागत किया और आप सब लोग एक छोटी सी गैदरिंग में आते हो। हमारे परम सम्मानित और बघेल समाज की शान छत्तीसगढ़ में क्रांति करने वाले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारे बहुत ही प्रिय साथी पुराने मित्र सतीश बघेल जी, हमारे आप सबको संबोधित किया और प्रदीप माथुर जी के संबोधन से स्पष्ट हुआ कि वे आपके कंपनी बीच के हैं, आपके कंपनी समस्याएं चाहे मोहल्ले के हो चाहे गली के हो चाहे घर के हो उस सब की जानकारी रखते हैं आपके शुभ रूप के साथी। पिछले समय कुछ भूख हो गई और इस कारण से प्रदीप जी विधानसभा नहीं पहुंचे, लेकिन इस समय ऐसी कोई गलती नहीं करना है, नहीं होगी सर। मथुरा की आवाज विधानसभा में गूंजनी चाहिए, आपके आवाज वहां पहुंचनी चाहिए, आपकी समस्या आपके योजना आपके लिए विकास की योजनाएं यदि कोई आवाज बुलंद कर सकता है केवल प्रदीप माथुर। ऐतिहासिक इसलिए कि कोरोना के साये में चुनाव हो रहा है, निर्वाचन आयोग ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं, हमको कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना है और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का भी पालन करना है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि 300 से बड़ी सभाएं एक हाल में नहीं करना है या जितनी क्षमता उसकी आधी होनी चाहिए, उसका पालन हम लोगों ने किया और आज यहाँ आके माते बिहारी के भी दर्शन करने का अवसर मिला और यहाँ के प्रबुद्ध जनता के भी दर्शन करने के साथ साथ उनके स्नेह प्यार जो मिला वो मुझे अभिभूत करता है। साथ ही ये जो चुनाव इसलिए